अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, बल्कि मैं आपके लिए एक बेहतरीन नुस्खा लाया हूँ, गर्मियों का नुस्खा है जी। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो काफ़ी सारी बीमारियों से आपको निजात मिल सकती है। तो पहले पहले जो मरीज़ होते हैं बेचारे थके हारे, उनकी पिंडलियाँ दर्द करती हैं, ये गोडे से नीचे उनकी जो पिंडलियाँ होती हैं वो अक्सर दर्द करती हैं, उनके लिए भी नुस्खा है। और जिनका सर दर्द करता है, कभी इधर से करता है, कभी इधर से करता है, ख़ास तौर गर्मियों में ये बीमारी ज़्यादा हो जाती है, कभी पीछे बैक साइड से करता है, उनके लिए भी लाजवाब नुस्खा है जी। एक पाव सरसों का तेल ले लें आप, एक पाव सरसों का तेल ले के सर के दर्द के लिए ख़ास, पहले तो वो तेल थोड़ा सर में डाला करें, अपनी आदत बना लें, सर में थोड़ा सा तेल डालें रोज़ाना सुबह सुबह। फिर जब आप दोपहर को काम से वापस आएँ या शाम को वापस आएँ तो नहा लें। और दूसरी बात और ये जो हमारी नाफ होती है ना, ठीक है ना, ये से नाफ में एक कतरा तेल का रोज़ाना डाला करें, थोड़ा सा टाइम निकाला करें अपने लिए भी, क्योंकि आप अगर सेहतमंद होंगे, ठीक होंगे ना, तो आपकी पूरी फैमिली माशाल्लाह ठीक होगी, उनको परेशानी नहीं होगी। और तीसरा मसला रहा इन पिंडलियों का, ये जो पिंडलियाँ दर्द करती हैं, एक तली आपने लेनी है सरसों का तेल, एक तली, ठीक है, उसको हाथ के ऊपर ऐसे लगा के फिर पिंडली के पिछली से बैक साइड में आपको लगाना है, वो प्रैक्टिकल मैं अभी आपको करके बताऊंगा। बैक साइड में आपको लगाना है पिंडली की, 2 मिनट तक आपको एक पिंडली की मालिश करनी है और 2 मिनट दूसरी पिंडली की मालिश करनी है। ये देखें जी, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। आपको तेल लेना है एक तली, ठीक है, ऐसे थोड़ा दोनों हाथों पे लगाना है और फिर ये जो उंगलियाँ हैं ये बैक साइड में होनी चाहिए आपकी, इस तरह, ठीक है जी, इस तरह है, गोडों से नीचे, इस ये जो बैक साइड होती है ये ख़ास तौर दर्द करती है, ये बैक साइड, इसको आपने अच्छे तरीके से 2 मिनट तक मालिश करना है इसकी। और दूसरे पाँव को भी इसी तरह बिल्कुल करना है, सेम 2 मिनट इसको मालिश करनी है और 2 मिनट दूसरे पाँव को, पिंडली को मालिश करनी है आपने। तो जी देखा आपने, जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया है, इसी तरह आपने पिंडलियों की मालिश करनी है, ठीक है जी, इंशाल्लाह आपको शिफा होगी, 100% शिफा होगी इंशाल्लाह आपको, आपको परेशानी नहीं लेनी। जिन लोगों को कब्ज़ की बीमारी है, कब्ज़ के लिए भी ये एक टेक है, अगर आप नाफ में तेल डालेंगे ना तो आपकी कब्ज़ जितना भी पुरानी होगी वो टूट जाएगी, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी कब्ज़ बिल्कुल टूट जाएगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये जो कब्ज़ की बीमारी है ना, ये बहुत बीमारियों को जन्म दे देती है जिस्म में इंसान के, फिर इंसान परेशान हो जाता है, बीमारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं लेकिन फिर आराम भी नहीं आता जब ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं। तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल करें तो आप अगर ठीक होंगे ना तो सब चीज़ ठीक होगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो काम करने का आपको दिल करेगा। ये जो कब्ज़ वाली बीमारी है, ख़ास मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, इसको ऐसा वैसा नहीं समझा करें, इस बीमारी से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो हम लोग जाते हैं हकीमों के पास, तो वो भी हमें इसी चीज़ों से दवाई बनाई हुई होती है जो हमें देते हैं, वो कोई अर्श नहीं आती उनके लिए दवाई बनी बनाई के, फरिश्ते आके उनको देते हैं, वो भी इन्हीं चीज़ों की बनाते हैं। हम अगर गौर करें तो अल्लाह पाक ने जो चीज़ भी बनाई है ना, इंसान के फ़ायदे के लिए ही बनाई है, और हम इधर उधर भागते रहते हैं, उसके पास जाएं, उस हकीम के पास जाएं, उस हकीम के पास जाएं, और हकीम तो वैसे भी 100 से अगर होंगे ज़्यादा तो थोड़े बहुत ठीक होते हैं, बाकी सब जेब खाली करने वाले होते हैं, आपको तो पता ही है, लेकिन उनके पास जाने से बेहतर है आप थोड़ा सा गौर किया करें। अल्लाह पाक ने जो चीज़ें भी बनाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपने जिस्म को हेल्दी तंदुरुस्त रखना चाहते हैं ना, तो वर्जिश आपके लिए लाजम है, और मीठे से थोड़ा परहेज़ करें, मीठा कम इस्तेमाल करें, कड़वा चीज़ जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, कड़वी चीज़ आपके जिस्म के जो भी ख़तरनाक जरासीम होती हैं उनको जाके मार देती है, उनसे मुकाबला करती है, और जो मीठी चीज़ आप खाते हैं ना, मीठी चीज़ों बीमारियों की दोस्त होती है, वो जाके उनको परवरिश देती है और भी बढ़ाती है उनको, जैसे किसी घास में हम खाद डालते हैं ना तो वो जल्दी बड़ा हो जाता है,
तो ये जो मीठा हम इस्तेमाल करते हैं ना, चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ये समोसे पकोड़े, ये चिकनाहट वाली तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, इनसे थोड़ा परहेज़ किया करें। तो ठीक है जी, मैंने कहा आपको नुस्खा बता देता हूँ, चलो किसी गरीब का फ़ायदा हो जाएगा मेरे भाई का। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद और शाद रखे। मैं नुस्खे कभी कभी बना लेता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की टेंशन है, कोई आपको थोड़ी सी तकलीफ़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। तो ठीक है जी, आपने उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, इसी तरह बिल्कुल करें, ये नुस्खा आजमाएं आप, एक हफ़्ता आजमाएं, उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, आपका सर का दर्द भी दूर हो जाएगा और आपके जिस्म की थकावट भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी पिंडलियाँ भी कभी दर्द नहीं करेंगी इंशाल्लाह, और आपकी कब्ज़ भी 1 महीने के बाद टूटेगी, 1 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगी। अगर नाई कब्ज़ है आपकी, महीना हुआ है 2 महीना, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, 10 दिन तक, 15 दिन तक, लेकिन अगर आपकी कब्ज़ पुरानी है तो 1 महीना लग सकता है। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर ढेर ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।